गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग बहुत मस्त हो गए। आज पलेसर जोड़ेंगे आयसर बादशाह में। तो अभी ये पलेसर अपना आ चुका है, आज हम पलेसर को लेके जा रहे हैं। पहले ड्राम भी रख लेते हैं भाई, क्योंकि उधर से तेल भी लाना है। तो भाई पलेसर में देखो पीछे कितना स्पेस होता है, तो इसी में ड्राम रख लेंगे। तो अपना ड्राम चल रहा है, ये देखो भाई आयसर बादशाह को भी लेके चल रहे हैं। आज से पलेसर का भी काम शुरू करते हैं। ड्राम तो फाइनली रख लिए हैं भाई, अब चलते हैं। तो भाई देखो गाँव से निकल रहा है और मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते में किसी से पैसा कुछ लेना है। तो वो देखो निकल रहा पलेसर आयसर बादशाह में। आज पहली बार हम पलेसर लेके जा रहे हैं, और ओल्ड बादशाह में वो उस्ताज वाली धान मशीन रहती ही रहती है, क्योंकि अब धान का भाई सीजन शुरू हो गया है, तो पलेसर की डिमांड शुरू हो गई है। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपका भाई करता है, प्लीज़ यार सपोर्ट करो। गाँव के जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, प्लीज सपोर्ट करो। वो देखो आ रहा है अपना आयसर बादशाह पलेसर लेके, देख सकते हो भाई। ये देखो पीछे देख सकते हो पलेसर अपना आ रहा है, आज से ही शुरू कर रहे हैं भाई। ये एक मस्त बिजनेस है, क्या करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो करना होगा। आप लोग जितने भी लोग हो भाई गाँव से, जितने भी लोग हो प्लीज यार सपोर्ट करो। अगर गाँव वाले एक गाँव वाले की सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर दूसरा कौन करेगा। ये देखो भाई चल दिए हैं आयसर बादशाह में, हाथी को जोड़ लिए हैं। ये हमारा हाथी है भाई, जस्ट नाउ अभी हम गांव से निकले ही हैं, और आर्डर तो नहीं है लेकिन जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव हैं हमारे गांव से, 100-200 गांव पड़ते हैं अगल बगल क्षेत्र में। तो अगर इसका काम मिलेगा तो धान की कुटाई कर लेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे तेल लेने। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। छोटा है ये पलेसर हाथी है, ये छोटा है बादशाह, छोटा बढ़ जा रहा है। थोड़ा सा इसमें भूसी भरी हुई है जिसको हमको उतारना है, नहीं तो रास्ते में कहीं काटने को मिल जाएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए भूसी को बाहर कर देते हैं। बस बस आई बड़ा डिब्बा है, इसमें बहुत बड़ा ये पलेसर होता है आयसर बादशाह, और पीछे पलेसर हमारे यहाँ उसको पलेसर बोलते हैं, कहीं कहीं उसको बड़ी धान मशीन बोलते हैं। तो ये भी धान मशीन है, धान कूटने का बढ़िया काम करता है। ये देखो पिछले साल की भूसी इसमें भरी हुई है, क्योंकि ये पिछले साल चल रहा था, तो ये देखो ये भूसी को हटाना बहुत जरूरी था, क्योंकि रास्ते में कहीं धान कूटने को मिलेगा तो ऑलरेडी इसमें भूसी है, और ये पुरानी भूसी है, खत्म भूसी है, खराब भूसी है। तो इसको हटाने के बाद हम दूसरी हो सकता है काटने को मिल जाए तो नई भूसी आ जाएगी इसमें। तो भाई चल दिए हैं और भूसी भी उतार दिए हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो गाँव बहुत सारे मिलेंगे रास्ते में, कहाँ मिल जाए काटने को कोई पता नहीं, क्योंकि ऑर्डर नहीं है, लेकिन आज शुरुआत करनी है तो करनी है, क्योंकि ईश्वर जब साथ में होता है तो काम बेस्ट से बेस्ट बनता है। ये देखो नदी गांव की। अभी मैं अपने ब्लॉग में हर गांव का नाम लेने वाला हूं, तो जिस गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं इस गांव का नाम है सूदनपुर। सूदनपुर तो छोटा सा गांव है, तो वहां एक ऑर्डर मिल गया है, अभी वापस में वहां धान की कुटाई करेंगे। और ये जो सामने दिख रहा है ना भाई, ये तारापुर है, इस गाँव का नाम है तारापुर। अभी हम तारापुर में प्रवेश करने ही वाले हैं। तो भाई तारापुर में भी हमको कुछ काम नहीं मिला है, क्योंकि अभी ताजा ताजा धान कटा हुआ है तो आदमी बिजी है, लेकिन हमारा मेन मोटिव था गांव को घूमना। और आप लोग कहीं से भी मुझे देख रहे हो, अगर पहली बार आपके सामने ये वीडियो आया है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मेरे ब्लॉग में आप लोगों को गांव देहात की लाइफ देखने को मिलेगा, लोगों की जिंदगी देखने को मिलेगा कि लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। तो दादाजी का धान मिल चुका है भाई, तो अभी वो दादाजी हैं, ये हम बेर्रावा पहुंच चुके हैं, बेर्रावा में दादाजी का धान मिल चुका है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं और शुरुआत करने वाले हैं। ये बेर्रावा गांव है, ये गांव है बेर्रावा भाई, अभी यहां पे चला दिए हैं। ये देखो फाइनली मेरा पलेसर चल चुका है और टेस्टिंग होने वाली है, बजरंग बली की दया से बहुत बेस्ट हम चावल यहां निकालने वाले हैं। भाई दादाजी का धान है और चलते हैं, अब आपको चावल की क्वालिटी हम दिखा देते हैं। तो अभी धान भी गीला है, और धान गीला होने की वजह से हल्का उनका टूट रहा है, बाकी देख सकते हो आप बढ़िया चल रहा है, कैसा लोकेशन है। और इधर एक ट्रैक्टर ये खड़ा है, और इधर ही देखो घर भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पलेसर चल रहा है। धान में कुछ एलिवेटर में कुछ फंस चुका है, जिस कारण से धान नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जो धान है इसमें कचड़ा बहुत है भाई, तो एलिवेटर में कुछ फंस गया था, तो अभी हटा दिए हैं, जिस कारण से इसको रोकना पड़ा, क्योंकि वो देखो एलिवेटर से कुछ फंसा हुआ है, उसको निकाल रहा है। क्या फंसा है दिखाओ, देखो लगा दिया, अंदर जाके पैरा फंस चुका है, क्योंकि धान थोड़ा ज़्यादा ख़राब था तो लिफ्ट चलना ही बंद हो गई है, तो इसको अभी खोल के निकालना पड़ेगा हमें, तो इसमें का धान निकालना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब, वो देखो निकल रहा है, यहाँ से धान निकाल लेंगे तो उसका कचड़ा निकल जाएगा। फंसने की वजह से पूरा धान फंस गया था अंदर एलिवेटर, बंद है कि नहीं ये देखो भाई, फिर से सही हो चुका है और चला दिए हैं, और अभी धान निकलना शुरू हो गया। तो अभी दादी अम्मा का भी धान है, तो दादी अम्मा का धान कूटने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे तेल लेने। तो भाई इस गांव में पलेसर चला के मजा आ गया, पहला ही दिन था और भगवान ने पहले ही दिन अच्छा खासा बढ़िया काम हो गया है यहाँ पे, यहाँ तो काफी अच्छा काम हो गया है। अब जा रहे हैं हम यहाँ, अब जा रहे हैं डीजल डलवाने, एक ड्रम डीजल लेंगे, उसके बाद फिर मजा ही मजा। तो अभी हम जा रहे हैं खकरेड़ू, क्योंकि हम सारा काम करने के बाद
इधर से खकरेड़ू, खकरेड़ू से रजपालपुर, रजपालपुर में डलवाएंगे डीजल, और ड्राम भी पीछे हमारा लोड है, और ड्राम में भी डीजल डलवा लेंगे। खकरेड़ू में थोड़ा मार्केटिंग पड़ जाता है, थोड़ा सिटी टाइप में पड़ जाता है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। ये देखो खकरेड़ू के मेन मार्केट में हम आए भाई, हम जा रहे थे रजपालपुर तेल भरवाने, तो यहाँ पे एक भैया जी हैं, उनका मिल गए बनपुरवा में, प्लेसर लगा दिए हैं, सामने वाले भैया का धान है। तो भाई अभी मेन मार्केट में ही हमारा प्लेसर चल रहा है, ये देखो पीछे आप देख सकते हो पूरा मेन मार्केट है, और यहाँ पे चल रहा प्लेसर। ये जो दादाजी जा रहे हैं इनका भी ऑर्डर मिल चुका है 50 बोरी का। अभी दिखाते हैं आपको चावल की क्वालिटी, चावल की क्वालिटी देखो आप लोग, ये देखो स्टेशन कुछ ऐसा रहने वाला है। ये देखो भाई काफी समय से इसी जगह प्लेसर चला रहे हैं, क्योंकि काम बहुत सारा मिल गया था, और हम जा रहे थे अपने ड्राम में तेल भरवाने, क्योंकि प्लेसर में पीछे ड्राम रखे हुए हैं, ये तो आपने देखा ही है। तो अभी जाएंगे वहाँ पे डीजल भरवाएंगे, उसके बाद आज गांव गांव घूमें। सपोर्ट में कमी मत रखना मेरे भैया, बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा प्लीज सपोर्ट कर दो यार। भाई सुबह से हम लगे हुए थे, अभी यहाँ का काम समाप्त कर लिए, अब जा रहे हैं रजपालपुर, वहाँ तो तेल ही भराना है। इस रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। भाई फाइनली आ चुके हैं रजपालपुर, रजपालपुर में तेल भरवाना है, तो आप देख सकते हो ये रहा पेट्रोल टैंक, ये हमारा प्लेसर, प्लेसर में भी डलवाएंगे, पीछे ड्राम रखे हुए हैं उसमें भी डलवाएंगे, पेट्रोल टैंक के पास लगा दिए हैं। तो ये रजपालपुर पेट्रोल टैंक, यहीं से हम पेट्रोल लेते हैं भाई। अभी दरवाजा खुलता है और दरवाजा के अंदर ही हम भर रखे हैं, ये देखो भरा लिया, भर उतर रहा है। ये देखो, तो ये देखो भाई, तेरी ये देखो पूरा, अरे यार रुक जा यार। तो भाई भूसी इसमें पूरा भर चुकी है, ड्राम की ऐसी तैसी हो गई है, ये देखो। बीचो बीच, हाँ बस बात 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 बस सही है, सही है, सही है। फिट करवा रहे हैं 210 लीटर, 210 लीटर भरवा लेंगे इसमें अभी। नहीं दबाओ, दबा दे, दबा दो, मैं दबाए खड़े रहो, ठीक लात करोगे तो बहुत समय लगेगा, दबा के खड़े रहो, दबा रहे पूरा पूरा दबा ले, अरे अड़ा न ले हो, बस यहीं तो दबाए रहो। 210 लीटर डीजल ना? हाँ 210, तो डीजल भर रहा है, ये देखो भाई पूरे ड्राम में डीजल रहेगा इसमें, 210 लीटर ड्राम में डलवाएंगे, इसके बाद पूरी टंकी भी फुल करवाना है, क्योंकि अभी रास्ते में बहुत सारा काम मिल सकता है। देखो अपना आयसर बादशाह हाथी को लेके आ जाए हैं भाई, यहाँ चल रहा है, ये चल रहा है लीटर 79-80 और ऊपर रुपया चल रहा है। 220 लीटर डीजल डलवा लिया है, अब डीजल डलवा लेते हैं ट्रैक्टर में भी, क्योंकि ट्रैक्टर का डीजल पूरा 3510 का फीड कर दो भैया। ये देखो प्लेसर में तो फुल हो गई, पीछे प्लेसर में धरा है ड्राम, वो फुल हो चुका है, 3510 का इसमें भरवा लेते हैं। तो ये देखो आज तेल हम ही भर रहे हैं, देख सकते हो भाई 3510 का इसमें डलवा लेते हैं। मशीन में मीटर कितना तेज चल रहा है, देखो 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 देखो, 220 लीटर ड्रम में है और 3510 का इसमें करवा देते हैं, क्योंकि इसका डीजल बिल्कुल खत्म हो गया भाई। तेल का काम डन हो गया है, अब निकलते हैं घर के लिए, तो रास्ते में जो भी काम मिलेगा वो करते करते घर चले जाएंगे। ट्रैक्टर में भी तेल हो गया और ड्रम भी, इधर देख लो टंकी है ये भाई। सुबह से एकदम सुबह सुबह निकले हैं, कुछ भी नहीं खाए हुए हैं और तेल वेल भरवा लिए हैं, तो अभी जा रहे हैं बगल में दुकान है तो कुछ खा लेते हैं, फुल्की खाते हैं भाई। तो अभी भैया जी के दुकान से चार समोसे हमने ले लिए हैं, ये देखो भाई समोसा बन रहा है, ये इधर देखो समोसा बन रहा है, तो चार समोसा हमने ले लिया, अभी बैठ के आराम से खाएंगे। इधर भैया की दुकान में फुल्की खाने की भीड़ देख लो, प्रसिद्ध है, थोड़ा अच्छी फुल्की खिलाते हैं। तो अभी भाई हमने फुल्की भी खा लिया, समोसा भी ले लिया, पीछे देखो फुल्की की दुकान है और कितना भीड़ लगी हुई, छोटी सी दुकान में कितनी भीड़ लगी हुई। रजपालपुर चौराहा, उस्ताद के लिए दो जाली भी ले लिए हैं ये, क्योंकि उस्ताद की जाली टूट गई है और चाचा ने फोन कर दिया था, तो चूंकि हम लोग रजपालपुर में हैं तो इसलिए दो जाली और ले लिए हैं भाई। अभी फिर यहाँ रोड पे मिल गया है कूटने के लिए, घर जा रहे थे तो अभी ये देखो साइड में लगा दिए हैं, पे रखा है वो छोटू लोगों का है, देखो वो है वहाँ पे बोरी में, वो थोड़ा रोड में गाड़ी चलाने में डर लगता है, क्योंकि रोड होती है तो आवाजाही ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन किया भी क्या जा सकता है भाई, और जगह ही नहीं है। इस काम में भाई मेहनत है थोड़ा, क्योंकि सुबह से निकले हैं, कुछ खा पी के नहीं निकले थे, तो सारा दिन घूमना रहता है। और मैं आपको गाँव की लाइफ दिखाने वाला हूँ,
गांव में बहुत गरीबी है, बहुत गरीब गरीब लोग रहते हैं, तो सारा चीजें आप लोग जुड़ जाओ चैनल से, मजा आने वाला है इस ब्लॉग को देख के। आप ये देखो चाचा धान लेके आ रहे हैं, थोड़ा दूर पड़ता है क्योंकि गाड़ी रोड पे खड़ी है तो दिक्कत है थोड़ा। प्लेसर देखो पूरा रोड पे है, ये देखो आवाज यहाँ रोड बहुत चल रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और वहाँ से चाचा बार बार लेके आ रहे हैं। ये देखो चला दिए हैं चाचा का विधान निकालने के बाद आगे बढ़ेंगे। शाम भी होने वाली है और ये जो सामने दादाजी जा रहे हैं इनका भी है वीसा काम करने के बाद हम घर निकलेंगे। ये देखो भाई बिल्डिंग देखो इधर, तो देखो भाई रास्ते में चलाना पड़ गया क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं है, तो रास्ते में ही खड़ा करके हम पहले सर चला दिए। ठीक रहा था, बहुत बढ़िया है, धन्यवाद भाई जी। यहाँ पे देखो ये लेके आ रहे हैं गांव में, इधर देखो इस रास्ते से जाएंगे आगे। तो भाई जब भी हमको हो जाएंगी आज रात, आप लोग ब्लॉग देखना और ब्लॉग के लास्ट में कमेंट जरूर कर देना। तो आप लोग एक कमेंट ये करना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना। चलो ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे, क्योंकि रात हो जाएगी और बैटरी भी मेरी ख़त्म है। तो आप सभी को जय श्री राम। तो भैया बहुत रात हो चुकी है और देखो रात में भी हम चल रहे हैं गांव में अभी, और ये आ रहा पलेसर हमारा। गाइज आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और रात में अभी हमारा काम चालू है। ये देखो भाई पलेसर खड़ा है और चल रहा है अभी, अब बहुत ज़्यादा रात हो गई, हम भूत भी बन चुके हैं, लेकिन अब काम समाप्त हुआ है। 8 बज रहे हैं रात। भैया सुबह 7 बजे निकले थे बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ चाय पिए हैं, आसान नहीं है भाई लाइफ। और अभी रात के 8 बज रहे हैं, अब हम काम करके घर की तरफ निकल दिए हैं। अभी यहाँ से घर 10 किलोमीटर दूर है। भैया एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार। भाई साहब रात के 9 बजे काम करके जा रहे हैं, देख लो जंगल से, सपोर्ट कर दो प्लीज यार।